वक्त एक पार्टी पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज है, उसके पास पूरी तरीके से मेजोरिटी है और संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए ये राइट टाइम है कि संविधान को बदलने के लिए पार्लियामेंट को कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया जाए। ये बयान और रिकॉर्ड है उनका, लेकिन तब शायद किसी वजह से ये हाईलाइट नहीं हो पाया और अब जो ये बयान दिया गया है वो इनका ये दूसरा बयान है। तो ये पहली बार नहीं दिया गया है कि पहली बार बयान दे दिया गलती से, नहीं, सोचा समझा जाना पहचाना ये दूसरा बयान है। और शायद पहला बयान देने के बाद कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, इसीलिए इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि दूसरी बार इन्होंने खुले मन से ये बोल दिया कि हम तो यहाँ संविधान बदलने के लिए आए हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो बोली है वो ये बोली है, जब आप पूछा गया कि पहले मनुस्मृति चलती थी तो उन्होंने बोला कि पहले मनुस्मृति चलती थी तो अब अम्बेडकर स्मृति चलती है, अर्थात एक जीवंत डॉक्यूमेंट को, संविधान एक जीवंत डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट इसे बोला जाता है, और जिस पर भारत के 125 करोड़ देशवासियों की, हर इंस्टीट्यूशन की, यहाँ पर जो पुलिस खड़ी है वो भी जिससे शक्तियाँ लेती है वो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान को स्मृति नाम देकर उसको कहीं ना कहीं उसका अपमान किया गया है। साथ ही साथ अम्बेडकर स्मृति बोलकर बाबा साहेब का भी अपमान किया गया है। इसको लेकर हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ से चलने के बाद हम लोग केंद्रीय मिनिस्टर श्री अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में तहरीर देंगे और ये मांग करेंगे कि उनके खिलाफ राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। और साथ ही साथ क्योंकि वो इस समय पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और केंद्रीय मिनिस्टर भी हैं और दोनों पर वो संविधान की ओथ लेकर है, तो संविधान की ओथ देने के बाद जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता उसको अल्टीमेटली डिस्क्वालिफाइड कर देना चाहिए। इसलिए हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को, केंद्रीय मिनिस्टर तो दूर, पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, इसकी जगह भारत की पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर नहीं बल्कि इसकी जेल की सलाखों के पीछे है, ऐसे लोग को तुरंत से देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। अतः हम सभी लोग FIR के साथ साथ, तहरीर देने के साथ साथ ही प्रधानमंत्री महोदय, देश के राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा स्पीकर, ह्यूमन राइट कमीशन और SC ST कमीशन को भी मेमोरेंडम यहां से देंगे। तो साथियों ये हमारा आज का प्रोग्राम है, हम यहां से 12 बजे, कुछ और साथी चूँकि लाइन में आ रहे हैं, हम यहां से 12 बजे पूछ करेंगे, ठीक है साथियों, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू साथियों। Yeah.